शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। अमित शाह ने यह भी बताया कि आधार कार्ड या वोटर कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। आपको इस बात का सबूत देना होगा कि आप और आपके माता पिता भारत में पैदा हुए थे। इसके लिए आपको सरकार द्वारा जारी किया गया अपना और अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिकता ना जी, ये नहीं, इससे नागरिकता तय नहीं होती और आधार से तो जरा भी नहीं। अब आपको दिखाते हैं असम में क्या हुआ जब भाजपा वहां एनआरसी लाई। लाखों गरीब पूर्वांचल वासियों को जो असम में सालों से बसे थे, कागज ना होने के कारण उनकी नागरिकता छीन ली गई। सुनिए और देखिए उन हिंदुओं का क्या हुआ जो असम में अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए और डिटेंशन सेंटर में डाल दिए गए। हमारे जैसे हाउसवाइफ को ऐसे लेके गया और जेल में डाल दिया। और मेरा जाने का बाद मेडिकल कराया, 60 किलो वजन था, उसका बाद ढाई महीना में मेरा 5 किलो वजन कम कर दिया। एक रूम में कम से कम 50 आदमी 55 आदमी एक रूम में रख कर नेताओं की इस भाषा के संकेत मिल रहे हैं कि इससे सिर्फ मुसलमान परेशान होंगे, लेकिन हमने जिनका हिसाब बताया है उनमें से कोई मुसलमान नहीं था। असम एनआरसी को लेकर कितनी परेशानी झेलनी पड़ी वो सब ने देखा। 19 लाख लोग फाइनल लिस्ट में आए हैं जिनकी नागरिकता अभी संदिग्ध है। इनमें 14 लाख हिंदू निकले और 5 लाख मुस्लिम बताए जाते हैं। इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि सिर्फ मुस्लिमों को एनआरसी में निकाला जाएगा। अगर एक राज्य में लाखों पूर्वांचलियों को निकाला जा रहा है तो सोचिए पूरे देश में कितने करोड़ हिंदुओं को परेशानी झेलनी होगी।